तो आइए बात करते हैं अब आंकड़े हमारे फैसला आपका की और एक ऐसे मुद्दे की जिसकी चर्चा आज दिन भर हुई। आखिर कब तक ट्रेन हादसे में लोगों की जान जाती रही, क्या कोई इंतजाम नहीं है जिससे ट्रेन हादसे को रोका जा सके? ट्रेन में कवच सिस्टम का क्या हुआ? सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर से बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस वे को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 ट्रेन ड्राइवर, 1 गार्ड समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे की जांच शुरू हो गई है और रेलवे बोर्ड ने दावा किया है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल हादसे की जांच शुरू तो है और इस बीच सियासत भी गर्माने लगी है। कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, सभी विपक्षी दलों ने हादसे को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग भी कर डाली है, लेकिन सवाल यही है कि हादसे पर सियासत कब तक होगी और सवाल यह भी है कि पटरियों पर हादसे आखिर कब तक होते रहेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जनता की राय भी लेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट जो आपके लिए देखिए। ट्रेन हादसे की ये वो भयावह तस्वीर है जिसने देश को झकझोर दिया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हादसे की इन तस्वीरों ने रेल सुरक्षा पर सोचने को मजबूर कर दिया। हादसा कितना भीषण था इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। त्रिपुरा के अगरतला से कोलकाता के सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी, पर टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रेन के 2 कोच हवा में लहरा गए। थोड़ा गंभीर है, ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है, ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको टोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटल्टी हुआ है, कैजुअल्टी हुआ है, 5 अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा, आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है, ठीक है। इस भीषण ट्रेन हादसे में कई लोग काल के गाल में समा गए, कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ, कौन इस हादसे का जिम्मेदार है? इन सवालों पर रेलवे बोर्ड ने बड़ा दावा किया। शुरुआती जांच के बाद रेलवे बोर्ड की ओर से कहा गया, मानवीय चूक की वजह से हादसा हुआ। मालगाड़ी ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल की अनदेखी की, मालगाड़ी ड्राइवर को रुकने का सिग्नल दिया गया था लेकिन उन्होंने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया जिससे बड़ा हादसा हो गया। मतलब इसका ये है कि उनको गाड़ी रोकनी चाहिए थी, उनको आगे गाड़ी बिना रोके नहीं चलानी चाहिए थी, पर ऐसा लगता है कि गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी और वो सिग्नल के बावजूद, सिग्नल था रुकने के लिए, उसके बावजूद गाड़ी आगे चली गई, पीछे वाली गाड़ी को रुकी। एक और ट्रेन हादसे ने रेलवे की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल खड़े हुए कि क्या हादसे को रोकने के कोई इंतजाम नहीं है? आखिर हर ट्रेन में सुरक्षा कवच क्यों नहीं है? इन सवालों के बीच सियासत गर्मा उठी। विपक्षी दलों ने रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर डाली। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। थोड़े वक्त पहले कोरमंडल एक्सप्रेस की दुर्घटना अभी कोई भूला नहीं है, और जो नज़ारे दिख रहे हैं 2 ट्रेनों की भिड़ंत के, इसको देख के लगता नहीं कि कोई सबक सीखा है। मंत्री ने, विभाग ने, मंत्रालय ने, सरकार ने, किसी ने भी कोई जवाबदेही इस सरकार में दिखती ही नहीं है। अब रेल मंत्री वहाँ चले गए, इसको भी एक उपलब्धि बताया जा रहा है। रेल मंत्री इस्तीफा देते थे इस देश में जब रेल दुर्घटना होती थी, हम लोगों ने ऐसे उदाहरण स्थापित किए हैं। इस देश का रेल वेल सब बेच दिया गया हो और बिजनेसमैन को दे दिया गया हो तो वहाँ एक्सीडेंट होगा ही ना। एक बार जब पहले, जब वो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे यूपीए की सरकार हो, जब भी एक्सीडेंट होता था तो जो संबंधित मंत्री थे तुरंत इस्तीफा दे दिया करते थे, तुरंत इस्तीफा दे दिया करते थे। अब इनको तो लोक लाज है ही नहीं, इतना बड़ा हादसा हुआ, कई बार हुआ ट्रेन का, और कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, अपने को नहीं कहता है कि हमारी गलती इसके कारण ऐसी हुई है। रेल हादसे पर एक और सियासत तो दूसरी ओर जांच चल रही है। रेल मंत्री खुद मौके पर हैं, सरकार ने पीड़ितों को मुआवजे का मरहम भी लगाया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना में जान गंवाने वालों को 10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा हादसे में मारे गए लोगों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया गया। लेकिन सवाल है कि हादसे पर कब तक मुआवजे बंटते रहेंगे,
पटरियों पर कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे और हादसों पर कब तक ये सियासत होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षित यात्रा करने वाला ये सवारी मानी जाती है, लेकिन इन सब के बीच कई ऐसी तस्वीरें निकल कर आती हैं देश भर से जहां पर हादसे की तस्वीरें हैं। और हमेशा ये कहा जा सकता है कि कभी कहा जाता है कि ड्राइवर की लापरवाही है, कभी सिग्नल खराब है या कभी और कोई कारण बता दिया जाता है, लेकिन हादसे के थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन्हीं सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए, लोगों के बीच गए, लोगों से सवाल पूछे और लोगों ने अपनी राय भी दी। वो सवाल और राय इस वक्त दोनों आपके सामने। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा अपने सर्वे में, पहला सवाल था कि कंचनजंगा एक्सप्रेस मालगाड़ी हादसे की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं। 25% लोगों ने कहा मालगाड़ी ड्राइवर की लापरवाही, 26% लोगों ने कहा स्टेशन अधिकारियों की लापरवाही है और 43% लोगों ने कहा कि रेलवे सुरक्षा तकनीक की कमी के कारण यह हादसा हुआ है। 6% लोग ऐसे थे जो उस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, शुभंकर सरकार कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, प्रेमपाल शर्मा पूर्व कार्यकारी निदेशक भारतीय रेलवे बोर्ड भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रेमपाल शर्मा जी के पास चलते हैं। शर्मा जी, एक बार फिर हादसा हुआ है और हादसे में ये कहा जा रहा है कि साहब ड्राइवर की गलती है, कुछ लोग कह रहे थे कि ड्राइवर की गलती नहीं है, सिग्नल खराब हो गया था, लेकिन कोई ट्रेन खड़ी हुई है और पीछे से तेज रफ्तार आती हुई मालगाड़ी आप में टक्कर मार दे तो इसे क्या समझा जाए और इसे क्या कहा जाए। देखिए, अभी तक जो सूचना मिली है, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसमें साफ जाहिर है कि ये ड्राइवर की गलती है, यानी ह्यूमन एरर है। देखिए, इस फैक्ट्स को आगे आने वाली जो जांच होगी उसमें और भी निकल के आएंगी बातें। अगर ह्यूमन फेलियर है तो हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा जो स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग, उसकी कार्य संस्कृति, निष्ठा, उस पर भी प्रश्न चिन्ह है, उसको और भी बेहतर करने की जरूरत है। हो सकता है उसका एक विकल्प ये हो कि ड्राइवर थके हुए हों, ज़्यादा ओवरलोडेड हो, और ये भी हो सकता है कि ड्राइवर किसी भी वजह से एक लापरवाही की हो, जैसा कि पिछले दिनों आपने कुछ और इंसिडेंट सुने होंगे कि वो मोबाइल पर क्रिकेट देख रहे थे। अभी एकदम निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है और सबसे गलत बुरा पक्ष ये है कि ड्राइवर भी बेचारा नहीं रहे जिससे कि उन चीज़ों को पता लगता। तो इसलिए इस समय फिलहाल तो तकनीकी या सेफ्टी के उसका तो कोई कारण नहीं है। हालांकि वैसे पिछले दिनों बालासोर जैसी घटना है तकनीकी कारणों से हुई है, लेकिन फिलहाल हम इस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि कैसे हमारे ड्राइवर उनको एक बेहतर सुविधाएं दी जाएं और ऐसे इंसिडेंट दुर्भाग्यपूर्ण दोबारा से ना। एक आपकी रिपोर्ट से ही जो बात सियासत की होती है इस्तीफा देना, मुझे लगता है कि शायद इस्तीफा देने या दूसरों को उपदेश देने की बात है तो इस देश में हर तीसरा आदमी कहने लगता है। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और रेलवे को कदम उठाने की जरूरत होगी कि कैसे उसको बेहतर किया, कैसे उसे बेहतर किया जाए। और लंबे समय से इस बात को लेकर रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय माथापच्ची कर रहा है कि कैसे एरर्स कम किए जाएं, कैसे ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उन दुर्घटनाओं को खत्म किया जाए, चाहे वो तकनीकी त्रुटि के कारण हो या फिर मानवीय गलती के कारण हो। डॉक्टर परमवीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर परमवीर, आप क्या मानते हैं। मनोज जी, देखिए, ह्यूमन एरर जो है इसको पूर्णता खत्म कर देना किसी भी सिस्टम में से असंभव है। देखिए, यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जो घटना हुई है दुखद घटना हुई है उसमें कई लोगों की जान गई है, 9 लोगों की जान के अभी परफेक्ट सूचना आ रही है, कई लोग घायल हैं जिनकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। कुछ जगह ये भी सूचना आई कि ये करीम जो संख्या है केजुअलिटी की वो 15 तक पहुंच गई। जी मनोज जी, आपके पास सटीक इन्फॉर्मेशन होगी, मैं उस पर बात करना चाहूंगा उस पर। देखिए, इस जो ह्यूमन लाइफ होती है इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, आप इसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन गलती को आप पूर्णतः सोचे खत्म कर देंगे तो वो असंभव है। अभी यहाँ पर हमें देखना होगा, देखिए कोलंबिया का जो शटल स्पेस शटल का हादसा हुआ था वहां पर भी एक ह्यूमन एरर थी जिससे एक हादसा, बड़ा हादसा हुआ था। ये स्पेस शटल की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान किया जाता है, रेलवे भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हमें भूलना नहीं होगा कि हमारा रेलवे सिस्टम लगभग 1,00,000 किलोमीटर का है,
कवच सिस्टम जिसकी बार बार बात आती है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 1,00,000 किलोमीटर का आपको फासला आपको ये भी भूलना नहीं होगा। ये कह देना मात्र कि ये कुछ ढंग से काम नहीं हो रहा है या तेजी से काम नहीं हो रहा है, देखिए हर एक चीज का पैरामीटर होते हैं। कवच सिस्टम कोई एक ऐसा बात नहीं है कि केवल आपको एक ट्रेन की में कुछ इंस्टॉलेशन कर लेना है, वो बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल करता है, आपके सिग्नलिंग सिस्टम को, आपके स्टेशन के ऊपर, आपकी ट्रेनिंग भी, सब चीजों में उसका लागू होना है और वो काम चल रहा है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, वो टाइम लेगा। लेकिन उसके बाद बावजूद भी हम ये कहें कि हमारे रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो ध्यान नहीं देते हैं या उनकी गलती है, तो देखिए ह्यूमन एरर कभी खत्म नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम देखें कंपैरिजन आज से 10 साल या 20 साल पहले का, हम आज आंकड़ा देखें और आज का आंकड़ा देखें, तो बहुत ज्यादा सुधार है। आप डिमोटिवाइज नहीं कर सकते हैं अपने रेलवे के कर्मचारियों को हम लोग, कि आप लोग ध्यान नहीं करते इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है। ये समय के जितने समय बहुत बलवान है, लेकिन आप पल्ला नहीं, मैं झाड़ने की बात कह रहा हूँ चीजों से, आपको कवच सिस्टम को इंस्टॉल करना होगा, लेकिन केवल सारी उंगलियां रेलवे के ऊपर उठा देना या रेलवे मिनिस्ट्री के ऊपर उठा देना ये ठीक नहीं है। जब भी कभी कोई हादसा हमने देखा है वहां पर राजनीति साथ में शुरू हो जाती है। ये बड़ा सवाल है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे उनके पास मैं आऊंगा, लेकिन उसके पहले जो दूसरा सवाल हमने लोगों से पूछा वो एक बार देख लेते हैं। दूसरा सवाल जो हमने लोगों से अपने सर्वे में पूछा वो था कि रेल हादसों में लापरवाही के दोषी कर्मचारी अधिकारियों को क्या सजा दी जानी चाहिए। 39% लोगों ने कहा, यानी कि 39% लोगों ने कहा नौकरी से निष्कासन किया जाना चाहिए। 22% लोगों ने कहा आजीवन कारावास होना चाहिए। 24% लोगों ने कहा हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। और 15% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। कांग्रेस के प्रवक्ता शुभंकर सरकार हमारे साथ मौजूद हैं। शुभंकर जी, आपके सरकार में भी जब इस तरह के रेल हादसे होते थे तब बीजेपी या अन्य जो विपक्षी पार्टियां उस वक्त की वो आपके मंत्री से इस्तीफा मांगती थी, आज आप इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा मांगने से ना तो ये हादसे कम हो पाए हैं, ना ये घटना कम हो पाई है, और ना इस तरह की कैजुअलिटी में लोगों की जान जाती है ना वो कम हो पाई है। तो ये तो एक कोई मकसद नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक तरीके से राजनीतिक पार्टियां दबाव बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कितना उचित? शुभंकर जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी, आप ही से सवाल था मेरा। देखिए, पहला मैं बोलना चाहता हूं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये पहला होना चाहिए हर चीज में। रेलवे मंत्रालय में ओनली सेफ्टी सिक्योरिटी का बात नहीं है, हर जगह ये सेफ्टी सिक्योरिटी होना चाहिए। सेकंड बात ये है, एक गंभीर मामला है, मेरे को आज बताइए तो जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी आज जो सत्ता में है उन्होंने ये जो 9 जो इंसान 9 इंसान जो आज मौत में चला गया, देहांत हो गया, उसका परिवार का पास क्या रिप्लाई होगा? 16 लाख रुपया, 50 लाख रुपया क्या होगा? मेरे को आज बताएं, एक सरकार जब चलता है सरकार का सेफ्टी सिक्योरिटी लेके जो सिद्धांत होता है, प्राइम मिनिस्टर बुलेट प्रूफ ट्रेन चलाने का कोशिश करता है, और जो लोकल चलता है, जो हमारा मेल चलता है, एक्सप्रेस चलता है, उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी का कुछ बात नहीं है। मेरा एक दोस्त कुछ सामान रेलवे में सप्लाई कर रहा था, वो बोल रहा था हर पॉइंट में वो उसको रिश्वत देना पड़ता था, नहीं तो अपना आदमी उसको उसमें काम कर रहा। नरेंद्र मोदी ने बोला पूरा साफ करेगा, कहां से क्या साफ हुआ? और दूसरी बात यह है, नरेंद्र मोदी ऑपोजिशन लीडर है और देश में दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, क्या आवाज होता? खुद पहुंच जाते और ड्रामा करने लग जाता। आज जो अश्विनी जी इसको चुड़ा एक हादसा नहीं है, अब बालेश्वर का इंसिडेंट को देख लीजिए, उसका बाद रेक्टिफिकेशन का कोई बात नहीं है। एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो सत्ता में है वो लगाता है, और साथ साथ में ये लोग एक भी वर्ड बताने के लिए तैयार नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर का आज कमेंट क्या है, रेलवे मिनिस्टर क्या बोल रहा है, और सरकार का तरफ शुभंकर जी, शुभंकर जी, जब आपकी सरकार थी तो आज के जो प्रधानमंत्री हैं, आज के जो रेल मंत्री हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, आपकी सरकार में भी उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के रेल मंत्री इसी तरह के बयान देते थे।
लेकिन एक खास बात है, उसका मैं जिक्र करूंगा। उसके पहले सर्वे का एक और सवाल है, वो पढ़ लेते हैं, वो जान लेते हैं। और सर्वे का जो एक और सवाल है, वो सवाल है कि क्या सवारी गाड़ी और मालगाड़ी का रेलवे ट्रैक बिल्कुल अलग कर दिया जाना चाहिए? गौर से सुनिए एक और बार, क्या सवारी गाड़ी और मालगाड़ी का रेलवे ट्रैक बिल्कुल अलग कर दिया जाना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसकी राय है 82% लोग कह रहे थे हाँ कर दिया जाना चाहिए, 17% लोग कह रहे थे नहीं करना चाहिए, और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। प्रेमपाल जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं पूछूंगा, रेलवे बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं और वो हर तकनीकी चीज को बहुत बारीकी से समझते भी हैं। प्रेमपाल जी, इस सवाल का तो जवाब मैं चाहूंगा, लेकिन एक और सवाल मेरे मन में उमड़ रहा है कि भारत सरकार में कई ऐसे मंत्रालय हैं जो बड़े संवेदनशील हैं, और बड़े बड़े मंत्रालय, उनमें से रेलवे भी एक मंत्रालय है, लेकिन देश के रेल मंत्री अगर राज्यों के चुनाव जिताने में अपना पूरा समय खर्च कर देंगे तो रेलवे को कैसे देख पाएंगे? उदाहरण के तौर पर, विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे 3 राज्यों के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, तो अश्वनी वैष्णव को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी गई थी, और अब अश्वनी वैष्णव, इत्तफाक देखिए क्योंकि आज ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया, अश्वनी वैष्णव को एक राज्य की जिम्मेदारी फिर दे दी गई है चुनाव लड़ाने की। मेरा ये मानना है, चूंकि आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, कि अगर इस तरह के संवेदनशील विभागों के मंत्रियों को पूरी तरह से अपने विभागों पर फोकस रहना चाहिए, आप क्या मानते हैं प्रेमपाल जी? दूसरा प्रश्न राजनीतिक प्रश्न है, और निश्चित रूप से मैं आपकी प्रश्न की दाद दूंगा कि सोचने की जरूरत है कि जो हमारे मंत्री हैं, जो इतने बड़े विभाग हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा समय की जरूरत है। मैं इससे ज्यादा उस पर रोशनी नहीं डालूंगा, लेकिन जो पहली वो है कि वो अलग अलग पैसेंजर और रूट रखा जाए, मुझे लगता है कि कुछ रूट पर ऐसा संभव है और ऐसा कर भी रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसी का एक विस्तार है कि जिसमें जो हमारी गोल्डन रूट है, दिल्ली से बॉम्बे, दिल्ली से मद्रास, दिल्ली से हावड़ा, जिसमें उसमें जो फ्रेट है, बहुत सारा सामान हमारा इधर से उधर, बाकी पैसेंजर जो गुड्स ट्रेन में लेट होता है उसको जल्दी से जल्दी किया जाए। और आपको पता होगा कि उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से उस पर, वेस्टर्न रूट तो काफी बुरा हो चुका है और ईस्टर्न रूट, ये एक बहुत पूरे देश के लिए प्रश्न इसका नहीं है कि सिर्फ पैसेंजर, सामान भी लोगों के लिए उतना जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा हमें उन दिनों मिला जब कोरोना था और दवाइयों की खेप इधर से उधर जाती, एक पक्ष। दूसरा, उस ट्रेन की कैपेसिटी का बेहतर इस्तेमाल हो, पैसेंजर ट्रेन अगर जरूरत है तो पैसेंजर को प्रायोरिटी दी जाए, उसके बाद उसमें गुड्स ट्रेन दी जाए। आप थोड़ी देर के लिए देखिए कि हमारे पास में, मैं अगर एक और प्रश्न आपके सामने उठाना चाहता हूँ, विशेषकर उत्तर भारत की, बिहार में सबसे ज़्यादा जरूरत है, वहाँ पैसेंजर ट्रेन और बढ़ाई जानी चाहिए जी, ये बिल्कुल एक हकीकत है। लेकिन वही बिहार किसी भी अग्निवीर के मुद्दे पर मेरी रेलगाड़ियों में आग लगा देता है, नुकसान किसका होता है? वही वेस्ट बंगाल उन ट्रेनों में चलने नहीं देता। हमें थोड़ा समाज को भी शिक्षित करने की जरूरत है, बिल्कुल ठीक, और उस समाज को भी, मैं ड्राइवर की गलती को नहीं मानना, पता नहीं क्या किस मेंटल स्टेट में होता, कि हमें काम की संस्कृति को भी बेहतर करना होगा। अल्टीमेटली जो एक कहावत है ना कि बंदूक लड़ाई नहीं जीतती, उसको साधने वाला जो उसे चलाता है वो जीतता है। कोई भी तकनीक आ जाए, कवच आ जाए, दूसरा है मनुष्य की जो ह्यूमन की जो कैपेसिटी है वो सबसे आगे रहती है। और हमें अपने हर स्टाफ को सिर्फ फैसिलिटीज के लिए नहीं, हमें अपनी कार्य संस्कृति को भी बदलना होगा। तीसरा पक्ष मैं और कहूँगा जो अभी आपके इस मंच से, कि हमें जरूरत सेफ्टी की निश्चित रूप से और सिक्योरिटी की ज़्यादा है, जैसा कि हमारे दोनों साथियों ने कहा, लेकिन साथ ही साथ हमें सोचना होगा कि हम उन सुविधाओं की तरफ न जाएं, कि हमें वंदे भारत में टेलीविजन भी चाहिए। एक ऐसा अमीर वर्ग है जिसको सब कुछ चाहिए, एसी भी चाहिए, एसी और 5-स्टार खाना भी चाहिए, दूसरे, हमें उसके बजाय पहले ये देखने की जरूरत है कि रेल का काम लोगों को पहुंचाना है। और इन सारी सरकारों को, पुरानी सरकारों ने भी ऐसे ही कदम उठाए थे, नई सरकार मुझे लगता है कि कुछ इन मुद्दों की तरफ और भी ध्यान देगी, ऐसी मुझे। अभी तो सुनने में ये आ रहा है कि शायद वंदे भारत ट्रेन है उनमें डबल डेकर की भी तैयारी चल रही है, लेकिन क्या वो वर्तमान में जो ट्रैक हैं, जो पटरियां हैं, क्या वो झेल पाएंगी, नहीं झेल पाएंगी, वो भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, और वो सवाल था कि रेल हादसे के बाद रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग शुरू हो जाती है, आपकी राय? 20% लोगों ने कहा एकदम सही मांग,
38% लोगों ने कहा गलत मांग है, नहीं होनी चाहिए। 24% लोगों ने कहा रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और 15% इस पर बेवजह राजनीति की बात कर रहे थे। और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने पूछा, रेल हादसे में मारे गए लोगों को मुआवजे में क्या मिलना चाहिए। 16% लोगों ने कहा मौजूदा मुआवजा सही है। 15% लोगों ने कहा कम से कम 1 करोड़ रुपए की राशि मिलनी चाहिए। 66% लोगों ने कहा कि परिवार के किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। डॉक्टर परमबीर हमारे साथ मौजूद हैं। परमबीर साहब, दोनों सवाल मैंने आपके सामने रखे और उस पर लोगों की राय भी आपके सामने, क्या मानते हैं मनोज जी? देखिए, पहली बात तो रेलवे मिनिस्टर का जब कभी भी कोई हादसा होता है तो कहते हैं ना आई वॉश, बलि का बकरा खोजने की कोशिश की जाती है। और ये केवल रेल हादसे की नहीं, किसी भी हादसे के समय पर एक जनरल प्रैक्टिस हमारी मानवता की बन गई है, जो कि पूर्णतः गलत है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। देखिए, इतना बड़ा सिस्टम चला रहा है होते हैं तो उसको कोई एक व्यक्ति रन नहीं कर रहा होता, ये एक सिस्टम है, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही होती है। आप स्पेसिफिकली रेलवे मिनिस्टर को आप अगर किसी चीज के लिए अकाउंटेबल मांगते हैं, चाहे सरकार किसी की रही हो, वो इस तरीके से है जैसे क्लास के अंदर बच्चों का रिजल्ट अच्छा ना आए तो आप टीचर को अकाउंटेबल माने। टीचर अकाउंटेबल है, लेकिन वो बच्चों के पास फेल कराने के लिए उनको शिक्षा दे सकता है, उनको सारी चीजें बता सकता है, लेकिन पास फेल कराने में शिक्षक का कोई वो नहीं होता। तो इसी तरीके से मैं फिर से कहूंगा, आप इसको पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देखिए, रेलवे चाहे सरकार किसी की भी हो, रेलवे मिनिस्टर को पूर्णतः इसके लिए जिम्मेदार मान लेना ठीक नहीं होता है। सरकार बजट का अलॉटमेंट कर सकती है। इस समय रेलवे का बजट 2,55,000 करोड़ का है हमारा, तो ये पर्याप्त है। देखिए, इस चीजों में काम भी कर रहा है। एक काम बहुत अच्छा हुआ था रेलवे के, हमारे तकनीकी लोग बैठे, वो मेरे से बेटर जानते होंगे, ICF कोच होते हैं जो इंडियन कोच फैक्ट्री के बने हुए होते हैं, तो उनको रिप्लेस कर दूसरे LHB कोचेस को लाया जा रहा है, जिनके अंदर सुरक्षा भी ज्यादा होती है और आपको आरामदायक सफर भी मिलता है। लेकिन ये लंबे प्रोसेस है, क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, 30,000 कोचेस है ICF के, और 30,000 कोचेज को अभी भी जिनकी लाइफ बहुत बहुत साल पड़ी है, 20-22 साल लाइफ है, उनको बदल देंगे तो करोड़ों अरबों रुपए लगना है, तो इतना आसान नहीं है। दूसरी बात, देखिए मैं कहूंगा, जैसे जो लोग मारे गए हैं आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुआवजा, मेरा व्यक्तिगत मानना भी है कि 10 लाख का मुआवजा मरने वाले के लिए कुछ नहीं होता। आजकल बहुत महंगाई का जमाना है, वैसे तो आप मैं कहूँ 10 करोड़ रुपया भी किसी को देंगे तो जिस परिवार का कोई चला जाएगा उसके लिए वो 10 करोड़ की राशि भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन इतनी राशि आवश्यक होनी चाहिए कि कम से कम उसके बच्चे कम से कम 5-10 साल तक कम से कम वो अपना जीवन गुजार सके, ये एक बड़ा संकेत है। एक और सवाल हमने जो लोगों से पूछा, वो सवाल था कि भारतीय रेलवे में जीरो एक्सीडेंट टारगेट के लिए आखिर क्या किया जाना चाहिए। ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली यानी कि TCAS 15% लोगों का यह मानना था। 32% लोगों ने कहा एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम। और 8% लोगों ने कहा ATI यानी कि स्वचालित ट्रैक निरीक्षण। 30% लोगों ने कहा रेल ट्रैक पर ट्रैफिक का बोझ कम हो। और 15% कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। शुभंकर साहब, तीनों का जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आज वंदे भारत के लिए पूरा गवर्नमेंट पड़ा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम, और जो राजधानी सियालदा और हावड़ा स्टेशन से छोड़ता है उसका हालत देखिए। मेरा बात यही है, जिसका घर का कोई उसका रिलेटिव चला जाता है, पिता माता चला जाता है, तब किसका पास वो उनका जो सिक्योरिटी के लिए मांगेगा, जो सरकार में होगा उसके उसका पास ही मांगेंगे ना, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा इंसिडेंट का बाद। मैं छोड़ दीजिए रेल मंत्री को, लाल बहादुर शास्त्री को तब रिजाइन नहीं करना चाहिए था। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का पिता माधवराव सिंधिया को रिजाइन नहीं करना चाहिए था। ये इंसिडेंट इसलिए है, जब कोई एक स्कूल का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, हेडमास्टर और फादर जो प्रिंसिपल वो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये ट्रेडिशनल ये खराब हो रहा है। पालेश्वर का बाद ये इंसिडेंट हुआ। आपने सही कहा, जिम्मेदारी सभी की है, जिम्मेदारी सभी की है, लेकिन इन सब के बीच प्रयास होते रहने चाहिए। प्रयास ऐसा नहीं है कि मंत्रालय या सरकार नहीं कर रही है, कर रही है, लेकिन मानवीय भूल भी एक बड़ा विषय है और शायद उससे खत्म नहीं किया जा सकता। अब इसके पीछे जांच रिपोर्ट आना बाकी है कि वो किसकी गलती है, क्या रेड सिग्नल को ड्राइवर नहीं देख पाया, क्या वो ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं कर पाया क्योंकि ड्राइवर अब नहीं है, लेकिन बावजूद कुछ तो है जो विभाग समझने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और खास विषय की, और वो विषय है EVM पर मचे बवाल।